हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में एक बार फिर आप लोगों का खुशामदीद। दोस्तों, आज मेरे हाथ में जो ये मोबाइल है, ये सैमसंग का, जैसा कि आपने देखा ही, ग्रैंड प्राइम है। दोस्तों, इसमें चार्जिंग का ही इशू है और ये चार्ज नहीं उठा रहा है। तो आइए फटाफट इसको खोल करके देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले हम इसका पैनल निकाल लेंगे, उसके बाद इसकी बैटरी रिमूव करेंगे और इसमें सिम चिप वगैरह जो लगा है उसको आराम से आप निकाल के रख दें बगल में। और फिर उसके बाद ये मॉडल नंबर दिखाया जा रहा है आपको। उसके बाद फिर ये आप इसमें जो भी स्क्रू जहाँ भी लगे हुए हैं, जितने भी हैं, वैसे बड़े मोबाइलों के अंदर जितने भी टच वाले एंड्रॉयड मोबाइल हैं उनमें स्क्रू तो ज़्यादा ही होते हैं। फिर भी दोस्तों, हम सभी जो है स्क्रू एक एक करके खोल लेते हैं और वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि आपका वक्त भी बचे और आपको नॉलेज भी हो। तो ये हमने फटाफट स्क्रू को तकरीबन खोल लिया है। ये सब जो मोबाइलें हैं, इन मोबाइलों को हीट करके खोलना पड़ता है दोस्तों। आप ऐसे ही इसे नहीं खोल सकते। इसके जो चारों तरफ है, नीचे ऊपर दाएं बाएं, सभी जो है गम लगा हुआ रहता है, गोंद लगा रहता है। तो दोस्तों, इसे आप हीट करके, मैं कैमरा को हटा करके दिखाता हूँ, ये है हीटर मशीन। दोस्तों, इसे हीटर मशीन भी कहते हैं, वैक्यूम मशीन भी कहते हैं। ये हीट करता है, यानी डिस्प्ले और टच को हीट कर देगा। ये आप देख रहे होंगे, ये नंबर वाइज भी होता है, नंबरिंग के साथ होता है, जिसमें एक क्लॉक चलता है। तो अभी हीटिंग जो हुआ है वो 45, 46 इस तरह से हुआ है। तो ये हीट कहाँ तक होगा? तकरीबन ये जाएगा 80-90%, यानी 90 जो है तक जाएगा ये। और हमने बीच में वीडियो काट करके और फिर हमने दिखाया आपको, देखिए ये 84% हो चुका है। तो ये तकरीबन हीट हो चुका है, अब 96.5 हो गया दोस्तों। अब इसे बंद करेंगे और आप इसे मशीन को सेट भी कर सकते हैं कितने परसेंट तक ये हीट करे, उससे ज़्यादा, ताकि दिक्कत ना हो। तो जो भी मोबाइल रिपेयरिंग वाले हैं वो 100 या 90 करके इसे छोड़ दें। अब ये मोबाइल हीट हो चुका है दोस्तों। अब इसे हम फटाफट इसको हम खोलेंगे, एक बार फिर कैमरा सेट कर दें ताकि आप भी इसे देखते रहें। और ये डिस्प्ले के ऊपर एक प्लास्टिक लगा रहता है, एक छोटा सा जो है उसे निकाल करके रख दें। ये बहुत तेज़ गर्म है दोस्तों, और नीचे से हमने जो है कपड़ा लगा लिया है ताकि जो है हाथ नहीं जले। और इसे जल्दी से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो है ठंडा होने से पहले पहले ये ताकि आराम से निकल जाए। लेकिन हीट दोस्तों इतना ज़्यादा है कि हाथ बर्दाश्त नहीं करता है, लेकिन फिर भी जो है इसे आखिर खोलना ही है। दोस्तों, मोबाइल हीट करने से मोबाइल के अंदर कोई ख़राबी नहीं आती है। हाँ, अगर आप हीट कम करेंगे और उसके बाद फिर मोबाइल खोलेंगे दोस्तों, उसमें टच टूटने का डर रहता है, डिस्प्ले ख़राब होने का डर रहता है। ये देखिए, नीचे से तकरीबन ये ओपन हो चुका है दोस्तों। बहुत ही आसानी से आप जब हीट कर देते हैं तो ये बड़े ही आसानी से ये निकल जाता है। आप इसके लिए कोई टूल्स वगैरह, जिस तरह मैंने वो जो है फाइबर का टूल्स यूज़ किया, और ये चार्जिंग की तरफ से निकल चुका है, और यहाँ पे एक लॉक होता है सिम के बगल में, इसे निकाल दें। इसे निकालते ही आसानी से ये आपका मोबाइल खुल जाएगा दोस्तों। ये देखिए, खुल चुका है। अब इसे हम बैक मिडिल पैनल को साइड में रख देंगे और इसका अब हम दोस्तों प्लेट पीसीबी जिसको कहते हैं वो हम बाहर निकालेंगे इसका, ताकि अब इसी के अंदर लगा हुआ ऐसे ही चार्जिंग पिन हम नहीं लगा सकते, क्योंकि आई आसपास में प्लास्टिक वगैरह फाइबर वगैरह होता है, तो हीटर मशीन से ही उसे लगाना पड़ता है तो वो गल जाएंगे। ये हमने बाहर निकाल लिया है इसे।
और बाहर निकालने के बाद अब आसानी से इसका जो कनेक्टर, चार्जिंग कनेक्टर है, इसे आसानी से हम बदल लेंगे। एक बार इसे फ्रेम पर लगाएंगे ताकि जो वह हीट मारा जाए तो ये ऊपर की तरफ रहे और मेरा पैड वगैरह नीचे का जो है वो जले नहीं, इसलिए लगाया जाता है। और ये सेफ्टी भी होता है दोस्तों, जो है कि ये जो है जंपिंग नहीं करता है इससे, और पकड़ पकड़े पकड़े रहता है एक तरफ से देखा जाए तो। ये काफ़ी बढ़िया है, एक मोबाइल रिपेयरिंग का ये भी टूल्स है, और ये हमने सेट कर दिया है। और इसे SMD की मदद से हीट करके हम इसे निकालेंगे, इसके चार्ज पिन को बढ़िया आसानी से। आप देख रहे होंगे कि 4 पिन हाइड साइड में लगे हुए हैं सपोर्ट के लिए, और इसके अंदर जिस तरह बाकी पिनों के अंदर चाइना के जो छोटे मोबाइल हैं या एयरटेल वगैरह के, उसमें 5 पिन आते हैं पीछे की तरफ, दोस्तों इसमें थोड़ा सा चेंज होता है कि इसमें 7 पिन आते हैं और बहुत ही बारीक बारीक पिन आते हैं, 7 पिन होते हैं इसके अंदर। और मैं बताऊंगा आगे चल के कि उन 7ों का काम क्या है और वो कैसे काम करते हैं। तो ये SMD हमने इस लगा दिया है इस पर, और ये हीट हो रहा है, और देखिए ये निकल करके बाहर हो गया। जैसे ही हीट पड़ता है दोस्तों, सॉल्डर जो है पिघलने लगता है और फौरी तौर पर वो बाहर हो जाता है। तो अब हम इसमें नए पिन अप्लाई करेंगे, लेकिन अप्लाई करने से पहले इसकी जो पिन है, इन पिनों पर हम जो है सॉल्डर कुछ रख लेंगे ताकि ये प्लेट में आसानी से अटैच हो जाए, लगाते ही फौरन जो है ये एक दूसरे से टच हो जाए और उसकी पकड़ मजबूत हो जाए। तो ये जो 7 पिन है बारीक बारीक, पहले उस पर हल्का हल्का सॉल्डर रख लेंगे, उसके बाद फिर हम जो है इसे प्लेट पर लगाएंगे। SMD से पहले जो है प्लेट को हीट कर लेंगे। तो फौरी तौर पर आप इसे ना रख दें, ना रख करके और फिर आप हीट करें, तो पिन के अंदर दोस्तों कनेक्टर के अंदर प्लास्टिक भी होता है, फाइबर भी होता है, तो वो गल जाएगा। पहले आप प्लेट को हीट कर लें और फिर उसके बाद जब कुछ हीट हो जाए तो बड़े आसानी से इसको उसी के ऊपर रख दें। और कनेक्टर रखने के बाद ज़्यादा देर तक आप SMD को नहीं चला सकते हैं उसके ऊपर, वरना वो फाइबर जो है गल जाएगा। ये कनेक्टर रखने के बाद मैंने बहुत ही हल्के से जो है एक हीट दे करके और फिर मैंने इसे निकाल लिया। दोस्तों अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि उन 7 जो पिन हैं बारीक बारीक जो प्लेट में जो है अटैच होते हैं, और जिससे करंट वगैरह जाता है, जो है ट्रांसमिटिंग होता है और रिसीव होता है, तो वो जो है पिन अच्छी तरह से आवर जो है प्लेट से चिपक जाए, ये इसमें कमाल होता है। बहुत ही बारीक होते हैं दोस्तों, बहुत ही जो है केयरफुली करना पड़ता है। और जो आयरन होता है, आप मोटा आयरन अगर लेंगे तो उससे दिक्कत आएगी आपको, 2 पिन आपस में सट जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। बारीक आयरन लेकर के और उसके साथ फिर देखिए, हमने इसीलिए जूम कर दिया ताकि आप भी इसे देख लें आसानी से कि किस तरह मैं इसमें सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये तकरीबन तकरीबन सॉल्व हो रहा है अभी दोस्तों, इसमें टाइम लगता है जब तक मैं कंफर्म नहीं हो जाता हूँ कि हाँ पिन जो है एक दूसरे से अटैच हो चुके हैं, तब तक मैं इसे सोल्ड करता हूँ ताकि जो है कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए बाद में। बहुत से आपने देखे होंगे मोबाइल बनवा के लेके जाते हैं और घर ले गए कि फिर चार्जिंग नहीं हो रहा है, तो इस किस्म से इशू इसी जो है इसी वजह से आती है कि जब दुकानदार उसको बस दो एक जो ज़रूरत का है बस वही सोल्ड कर दिए और वापस चले आए, वापस उसको बांध दिए, बांध करके दे दिए कि देखिए हो रहा है, तो वो फिर निकल भी जाता है दोस्तों। इसको बहुत ही केयरफुली, बल्कि इसको लगाने के बाद, इसको सोल्ड करने के बाद एक मरतबा लेंस की मदद से इसे देखा जाता है कि सभी पिने इसके सोल्ड हुए हैं कायदे से या नहीं हुए हैं। ये देखिए जो दोस्तों, जैसे मैं देख रहा हूँ अभी भी मेरे समझ से कुछ पिन ऐसे थे जो सोल्ड नहीं हुए थे, और फिर मैंने इसे आयरन की मदद से फिर इसे सोल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक सभी पिन इसमें सोल्ड नहीं होंगे तब तक आपका डाटा अगर लगाएंगे कंप्यूटर के अंदर डाटा केबल के साथ कि इसमें कुछ या म्यूजिक वगैरह भर लें या इसमें से फोटो कंप्यूटर में डाल लें, तब तक दोस्तों नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि अगर 2 पिन करेंगे तो 2 पिन सिर्फ चार्जिंग का ही हो जाएगा और बाकी 3 पिन इसमें आते हैं जो डाटा के सपोर्ट के आते हैं, 2 पिन ऐसे होते हैं कि जो चार्जिंग से ही संबंधित वापस करंट ला करके फिर जो है चार्जिंग शो कराते हैं, कई चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों ये तकरीबन हो चुका है।
और आप देख रहे हैं कैमरे के ऊपर जो है ये जो है स्क्रू जो है अटैच हो गया था, उसमें चुंबक होता है, उसे निकाल करके हमने बाहर कर दिया। और फिर मैं इसको जो है असेंबल कर रहा हूँ अब मोबाइल के अंदर, और मैं आपको असेंबल करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। दोस्तों हम इसे असेंबल कर रहे हैं और ये हमने फ्रंट कैमरा निकाल दिया था तो इसे वापस हमने लगा दिया है, और अब हम इसकी बैटरी वगैरह लगा करके इसे चेक करेंगे। दोस्तों इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मोबाइल से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों ये हमने बैटरी लगा करके और ये पिन लगाया और ये आप देख रहे हैं, ये देखिए चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है। अभी इसमें चार्जिंग बहुत ही मामूली है, ये देखिए 0% चार्जिंग है। दोस्तों अब ये चार्जिंग आसानी से होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, फटाफट होगा, कभी भी चार्जिंग लगेगा तुरंत चार्जिंग भरना शुरू कर देगा। थैंक यू दोस्तों।